बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 26 न्यूज़ एचडी। शामिल करेंगे 26 न्यूज़ हेडलाइंस। मोदी हुकूमत ने बालाकोट बहरान को इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारतीय मीडिया ने मोदी हुकूमत की असलियत वाज़ेह कर दी। 2019 में अक़वामे मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान भारतीय सफाकी को अयां किया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय अज़ायम बेनकाब करते रहेंगे। मोदी सरकार ने इलेक्शन जीतने के लिए अपने ही 40 फौजियों की जान ले ली। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मोदी दाखिली मामलों से तवज्जो हटाने के लिए खत्ते के अमन को तबाह करने पर तुले हुए हैं। पलवामा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पूरी दुनिया ने भी देख लिया। दुनिया से डुजेर को संजीदगी से देखने और भारत को जिम्मेदार ठहराने का मुतालबा। हुकूमत IMF की शराइत पर आमादा। ज़राए के मुताबिक बिजली 3.30 रुपये फी यूनिट महंगी कर दी जाएगी। हुकूमत का निजकारी प्रोग्राम भी तेज करने का फैसला। हुकूमत सिर्फ 19 इदारों को निजकारी की एक्टिव फहरिस्त में डाल दिया। रवान साल 6 से 7 इदारों के निजकारी अमल मुकम्मल किए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन के सामने कल क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आज इस्लामाबाद में अहम बैठक तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नायब सदर मरियम नवाज की भी शिरकत शेड्यूल का हिस्सा। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के प्लान को फाइनल शक्ल दी जाएगी। अपोजिशन ने जाती मफाद की खातिर कौमी यकजहती को तबाह करने की मजमूम कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं जाती मफादात की खातिर अपोजिशन ने कौमी मफादात को ज़िक पहुँचाई। अमली तौर पर अपोजिशन की पोजिशन सिफर रही, वावेला मचाती रही और आवाम के लिए कुछ नहीं किया। ब्रॉडशीट ने लंदन अदालत का फैसला जारी करने की पाकिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त कबूल कर ली। कंपनी के सरबराह कावी मुसावी का कहना है हकायक सामने आने लगे, पाकिस्तानी अवाम अब हकायक जान जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट के वकला से फैसला जारी करने की इजाज़त मांगी थी। मुल्क भर में तालीमी अदारे खुल गए। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात तक सरगर्मियों का आगाज़। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क लाजमी करार। सैनिटाइजर्स का भी तमाम बच्चे 2 ग्रुप्स में तकसीम। एक ग्रुप पीर बुध और जुम्मे को आएगा, दूसरा ग्रुप मंगल जुमेरात और हफ्ते को क्लासेस लेगा। अव्वल से 8वीं तक क्लासेस और जामियात 1 फरवरी से खुलेंगी। कोरोना वबा की दूसरी लहर के बायस तालीमी इदारों को मजीद 26 नवंबर तक बंद किया गया था। PS 52 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान। पीपल्स पार्टी और JDA में कांटे का मुकाबला। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 1,54,187 वोटर्स हक की राय दे इस्तेमाल करेंगे। 70,000 हवातीन वोटर्स शामिल। 50 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। अरबाब गुलाम रहीम पर धांधली का इल्ज़ाम। पोलिंग अमले और पोलिस एहलकारों को डांट दिया। PDM का कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। शेख रशीद इजलास की सदारत करेंगे। IG इस्लामाबाद, IG खैबर पख्तूनख्वा और IG पंजाब वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों और रेड जोन के हिकमत अमली पर सूरत हाल तय की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध का राज। छत्ते निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। मुतअद्दिद परवाजें मनसूख। बालाई इलाकों में बदस्तूर पारा 0 से भी कम। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। मज़ीद बाख़बर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 26newsHD.TV।